हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके वोस के स्टूडेंट्स की मास प्रमोशन को लेकर। गाइस अगर आप जेके वोस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर वॉच करें। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, जेके वोस के स्टूडेंट हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इन सब से जुड़ी हुई करंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो गाइज़ बात करें अगर जेके वोस के स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो हैं जेके वोस के जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th के हों या फिर 12th के। गाइज़ इन स्टूडेंट्स को एक एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है अपने फॉर्म फिल किए हुए, ना ही इन स्टूडेंट की अभी कोई एग्ज़ाम से कोई अपडेट आई थी और ना ही इनको कोई मास प्रमोशन के लिए कहा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन थी कि क्या इनके एग्ज़ाम हो गए, मास प्रमोशन होगी। तो गाइज आपके लिए ही ये स्पेशल वीडियो है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट भी किए थे, तो गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकती है। तो गाइज अगर बात करें इन स्टूडेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये 10th और 12th के प्राइवेट स्टूडेंट्स को है। तो इन स्टूडेंट्स को अगर ये पिछली साल की बात करें तो इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो जाया करते थे और इन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट भी निकलने वाला होता था, यानी कि जो 10th के स्टूडेंट होते थे उनको 11th में एडमिशन मिल जाती थी और जो 12th के होते थे वो कॉलेज या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में जो है अपनी एडमिशन ले लेते। तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का जो साल है वो वेस्ट नहीं होता था, लेकिन अभी इन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनका साल वेस्ट हो सकता है। तो गाइज तब आज इन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ये वीडियो है कि क्या आपके मास प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं या फिर एग्ज़ाम होंगे। तो गाइज कुछ समय पहले जेके वोस की तरफ से कहा गया था कि इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लेकिन गाइज अभी यहाँ पर आप जैसे कि जानते ही हैं अभी ना ही कोई जेके वोस की तरफ से कुछ एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर गाइज अगर जेके वोस की तरफ से कुछ एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट आता है तो आप मान के चलते हैं यहाँ पर अभी अगस्त जो है एंडिंग चल रहा है, यानी कि सितंबर तक अगर कोई अपडेट आता है तो गाइज जैसे कि कुछ एग्ज़ाम जैसे भी होते हैं आपके टाइम लग जाता है, तो एक मंथ ईजिली लग जाता है एग्ज़ाम होते होते। तो गाइज सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका रिजल्ट निकलता है, तो गाइज नवंबर में कम से कम आपका नवंबर में रिजल्ट निकलेगा। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं नवंबर में अगर रिजल्ट निकलेगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी स्टूडेंट्स की वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है नेक्स्ट क्लासेज में। तो गाइज यहाँ पर बहुत कम चांसेज हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर ज़्यादा चांसेज जो हैं वो मास प्रमोशन के हैं। लेकिन फिर भी गाइज जेके वोस की तरफ से कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर गाइज हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किए थे कि क्या मास प्रमोशन होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो गाइज हमारी तरफ से यही जो इन्फॉर्मेशन थी कि आपके चांसेस जो हैं वो एग्ज़ाम के कम हैं, क्योंकि लगातार जो कोविड-19 के केसेज जो हैं बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कम ही चांसेज हैं। लेकिन गाइज जेके वो उसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ जो है जो भी अपडेट आता है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो अगर कोई इस तरह का कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। गाइज हमारा जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर एग्ज़ाम के जो है कम चांस हैं, क्योंकि जिस समय आपके एग्ज़ाम थे तब कोविड-19 के केसेस कम थे और तब भी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के चांसेस कम जो ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो केसेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।